पिछले कुछ दिनों से एक बात पूरे मुल्क में गश्त कर रही है कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने 15 जून को शाम में 7:35 पर अपने एक प्रोग्राम आर पार में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी की शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इसके खिलाफ मजम्मती आवाजें बुलंद होना शुरू हुई है और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसी के चलते हमारी न्यूज टीम ने भी फैसला किया कि इस सिलसिले में पूरे मालेगांव के सरकर्दा अफराद के मजम्मती जुमलों को यकजा करके हुकूमत तक आवाज पहुंचाई जाए। इसी वजह से हमने मालेगांव के समाजी, सियासी और दीनी अफराद से अमीश देवगन के बारे में पूछा और लोगों की राय तलब की। लोगों की राय सुनाने से पहले आइए अमीश देवगन के वो जुमले आपको सुनाते हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क में न्यूज 18 और अमीश देवगन की मजम्मत हो रही है। एक सफ में खड़े रहते हैं, अक्रांता चिश्ती आया अक्रांता चिश्ती के बाद दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले लोगों ने इस्लाम लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले नहीं किया। अब इसके बाद अमीश देवगन का वो वीडियो देखिए जिसमें अमीश देवगन ने अफसोस जताया है। काश के अमीश देवगन अफसोस जताने की बजाय सच्चे दिल से माफी मांग लेता। आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज चैनल। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं, फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज चैनल। जैसा कि कुछ दिनों से चल रहा है कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने ख्वाजा गनी नवाज की शान में वस्ताखाना जुमले कहे, तो उसी के सिलसिले में एक सिलसिलावार वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें मालेगांव की समाजी, दीनी और सियासी शख्सियात जो है वो अमीश देवगन के खिलाफ अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं कि उनका माँ क्या बोल रहा है उसके खिलाफ। आज पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर के परेशान है और एक बहुत बड़े संकट से हमारा देश गुजर रहा है, लेकिन योगी मीडिया अपनी फितरत से बाज नहीं आता। योगी मीडिया से वाबस्ता लोगों ने एक ऐसी शख्सियत जिसका हिंदुस्तान पर एहसान है और बिला तफरी के मजहब व धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनका एहतराम करते हैं, हिंदुस्तान में आराम फरमा करोड़ों अकीदतमंदों का मरकज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज़ इंडिया 18 के एंकर ने जो तौहीद आमेज जुमला कहा है कि ये चिश्ती हमला आवर हैं, हम जाती तौर पर और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की तरफ से जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं, जो आपस में मिलजुल करके एकता का मिजाज रखते हैं, उन तमाम की तरफ से मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं और हुकूमत से और रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद सलमान इंगलाज नगर से। जिस तरीके की आज जो बात चल रही है मीडिया की तरफ से भी और सोशल मीडिया की तरफ से भी कि एक न्यूज़ एंकर है जिसका नाम है अमीश देवगन, उसने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं कि जिसकी मजम्मत करना पूरे हिंदुस्तान और पूरे आलम के लिए ज़रूरी है। एक ऐसी शख्सियत पर उसने इल्ज़ाम बांधा है कि जो इल्ज़ाम उस शख्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए था। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है कि आपके हाथों पर हिंदुस्तान के कई लाख लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल किया है और ये अमीश देवगन इस शख्स ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसे अल्फाज से और कुछ ऐसी नाजिबा हरकात से उनके नाम को लिया है और उनकी इमेज को ख़राब किया है
इसकी हम मजम्मत करते हैं और रियासती हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जिस शख्स ने इल्ज़ाम को लगाया है उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत और रियासती हुकूमत कानूनी कार्रवाई करें। इसकी हम मजम्मत करते हैं इसलिए कि हिंदुस्तान की जिस शख्सियत का इसने नाम लिया है ये शख्सियत अपने आप पर और अपने आप में एक बड़ी और ऊंची शख्सियत है जिसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान में काम किया है इसी नहज पर हम लोगों को काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं असलम अंसारी कांग्रेस पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर मालेगांव महानगर पालिका में हाउस लीडर आज जाग मेरे शहर न्यूज़ के माध्यम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी 18 न्यूज़ 18 का जो एंकर है जिसका नाम भी मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ। ऐसे नालायक एंकर ने ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी की है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से जाग मेरे शहर न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि इसकी बहुत सारे लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की है, FIR दर्ज कराया है, इसने ख्वाजा साहब किसान में जो गुस्ताखी की है तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ ताबड़तोड़ उसको गिरफ्तार करें और उस पर कार्रवाई करें और उस पर ऐसा ज़िंदगी भर के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि न्यूज़ 18 या किसी भी न्यूज़ चैनल में उसको जगह नहीं मिलना चाहिए। इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की है, मैं मालेगांव शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से अमीश देवगन के इस बयान की सख्त मुखालफत और मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत वक्त और मुतालिका आफिसरान से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मलून के खिलाफ जो मुल्क भर में केस दर्ज कराने का सिलसिला शुरू है उसके तहत फौरन से पेशतर कार्रवाई करें, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मलून के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करेगी। जब हमें ये मालूम पड़ा कि भाई जो मीडिया जो आज हम जो बहुत परेशान हैं रोटी मीडिया से उस ताल्लुक से मालूम पड़ा कि अब हम हमारे बुजुर्गान दीन के ऊपर नाजेबा हरकत कर रहे हैं तो बहुत अफसोस हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज जब यहाँ पर हिंद आए तो यहाँ से एक वास्ता वापस जा रहा था, वो इनको देखा और बोला कि हाथ में कुरान सर पर टोपी मुसलमान लगते हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये बोले हिंद जा रहा हूँ। तो बोले मैं इतनी बड़ी फौज लेकर वहाँ से वापस भाग कर आ रहा हूँ और आप खाली हाथ जा रहे हैं? तो बोले आप तलवार की ताकत पे गए थे, मैं ईमान की ताकत पे गया। उस वक्त तो आए और यहाँ पर फसील के बाहर जिनको रियाया को ऐसा बोल के बाहर कर दिया जाता है कि ये खराब लोग हैं, ये मजदूमों को बाहर फेंक दिया जाता है उस वक्त के बादशाह, तो उनके वहाँ आकर इस देश में हिंद में इस्लाम फैला और उस वक्त तो कोई भेदभाव नहीं किया गया। आज तक का 800 साल से ज़्यादा हो जा रहा है उनके उर्स को कि आप जाइए देखिए लाखों लोग उस उनके रोज़े पर जाते हैं, अकीदत बन जाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग वहाँ दिखते हैं। ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा है और वो कोई झुठला नहीं सकता। और ऐसे बुजुर्गान दीन का जो आज का
बंदा 30-35 साल का आदमी और हजार साल होने के पहले से आए हुए वो बुजुर्गान ने दीन के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और सुन्नी काउंसिल और तमाम सुन्नी तंजीमों की जानिब से इस पुरजोर मजम्मत करते हैं। न्यूज़ 18 के एंकर ने, जिसका नाम अमित, मैं नाम भी लेना उसका गवारा नहीं करता, उसका नाम मुझे पूरा पता है लेकिन फिर भी मैं वो उसका नाम नहीं लूंगा, उसने जो गुस्ताखी की है उसकी तो पहली बात औकात नहीं है कि वो हमारे गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करे। उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे सरकार गरीब नवाज का नाम ले। उसकी औकात नहीं है कि वो इस तरीके के डिबेट पे किसी मौलाना को बुलाकर बोले। मैं एक अदना सा गुलाम सरकार गरीब नवाज का होने के नाते मैं अपनी तरफ से और मेरे पूरे हिंदुस्तान के भाई, जितने भी हमारे सेकुलर भाई है जो हमारे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दिल से मानते हैं, मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मजम्मत का तरीका हम लोगों को यह रखना है कि इन लोगों को, जैसे ये सरकार के दलाल बने बैठे हैं, सरकार की दलाली कर रहे हैं ये लोग, तो ये दलालों को इनकी औकात याद दिलाने का हमको अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पहले तो हम लोग इनको इस तरीके से इनकी औकात याद दिलाए कि जितने भी हिंदुस्तान भर में सेकुलर मिजाज रखने वाले मेरे अपने हिंदुस्तानी भाई है, मैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे मेरा ये शो देख रहे हैं या मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अपने घरों के अंदर सबसे पहले अपने टीवी चैनल वाले को फोन करके बोले कि न्यूज 18 हमारे घर में जो न्यूज लगी है वो चैनल बंद करे। ऐसे भी हम उनका चैनल देखते नहीं है, लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूं अगर हमारे 35-40 करोड़ लोग भी अगर वो टीवी चैनल पे से उसका शो हटा लेंगे तो इसको, ये कुत्ते को इसकी औकात याद आ जाएगी, इसकी औकात इसके समझ में आ जाएगी। मैं कुत्ता और सुअर इसलिए बोल रहा हूं उसको क्योंकि इसको ये लफ्ज भी बोलना गवारा नहीं हमको, इसलिए बोल रहा हूं। और बोलने के बाद अभी इसने खेद व्यक्त किया है कि मुझे अफसोस है, इसने माफी नहीं मांगा है अभी तक, हमको इसको माफी मंगवाना है और इसको इसकी औकात याद दिलाना है कि तू कौन सी कतरे से बना हुआ है, तुझे तेरी औकात समझ में आए। इतनी बातें हम किसी के खिलाफ में बोलते नहीं, लेकिन जिसको, जिनके नाम को और जिनकी, जो शख्सियत को इसने बोला है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हिंदुस्तान पूरा उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है, तू खुद उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है, तू वो जो कुर्सी पे बैठा है ना, तो ये उन्हीं की देन है कि तू वहां पर बैठा है, नहीं तो तेरी औकात नहीं थी वहां जाने की, समझा। अभी मैं तेरे को बोल रहा हूं और मेरे पूरे जितने भी सेकुलर भाई है मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने टीवी चैनल वाले को, जिसका हम केबल लगाकर अपने घर में टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसको बोले कि न्यूज 18 वाले को, जो न्यूज है इसकी, न्यूज 18 को हमारे टीवी चैनल से गायब करे। जब एक साथ 30-35 करोड़ लोग अपने घरों से इस चैनल को निकाल देंगे ना, तो इसकी औकात याद आएगी और ये वापस जाके दलाली करेगा, और जो दलाली का हक है उसको जाकर वो दलाली कर यहां पर बैठ कर हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के अंदर झगड़े मत लगा। अभी इसने जो भी कहा सरकार गरीब नवाज की शान में, जो भी कहा इसने और इसने खेद व्यक्त किया, तो अभी मैंने इसको जो कुत्ता कहा, सुअर कहा, तो मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस तरीके से हमारे टीवी चैनल वाले एंकर को कुत्ता और सुअर कह रहा हूं, मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। अगर इसने माफी नहीं मांगा तो हम भरपूर इसकी मजम्मत करेंगे और इसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरेंगे। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसको सजा मिले, ताकि कोई आदमी दोबारा ऐसी बोलने की गलती ना करे और बोल के वो खेद व्यक्त करे। मैं अब्दुल रहमान शाह, अंजुमन मुस्लिम शाह बरादरी और महाराष्ट्र के सदर, और हमारे अमित हाजी साहब जो कारपोर्टर भी है, हम जो राजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के बुजुर्गान दीन है और पूरे देश के अंदर उस शख्सियत को जाना जाता है राजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, जो अमेश देवगन ने जिस तरीके से जिस अल्फाज में जो अल्फाज कहे उन्होंने, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, बार बार मजम्मत करते हैं और डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, कि आइंदा कोई ऐसा शख्स इसके ऊपर कोई ऐसे गैर जुमले ना बोले, वरना लाइन ऑर्डर का मसला हो सकता है पूरे देश के अंदर।
ऐसा हम डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। मैं शफीक अहमद राना, जनरल सेक्रेटरी मरकजी सुन्नी जमीत उलमा, सदर अदारे इब्राहिम, मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति का अध्यक्ष, दयाना विकास समिति, करमुल्ला और नक्को उस्ताद अखाड़ा, इन तमाम तंजीमों की तरफ से न्यूज़ 18 के जो एंकर हैं रमेश देवगन, इन्होंने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, उसकी मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्होंने ऐसे शख्स की शान में गुस्ताखी की जिस शख्स के आस्थाने पर दुनिया भर के हर मजहब के हर मसलक के लोग जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है तो वहाँ चादर और फूल चढ़ाते हैं। वो शख्स जो हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम दिया, वो शख्स जो हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाया और इस्लाम ख्वाजा साहब से हिंदुस्तान में फैला, मुसलमान हिंदुस्तान को ख्वाजा का हिंदुस्तान कहता है और ऐसे शख्स की शान में गुस्ताखी करना ये मुसलमानों नहीं आलम इस्लाम या पूरी दुनिया के हर मसलक हर मजहब के लोगों के शान में गुस्ताखी। हम ऐसे शख्स की मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज 18 न्यूज़ के एंकर ने जो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में गुस्ताखी की है, इसकी मैं प्रोजल अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये किसी एक समाज, एक बिरादरी, एक मज़हब के मानने वालों के नहीं है, इनको सभी मज़हब के सभी बिरादरी के लोग मानते हैं और इस हरकत करने के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होगा। और ये ऐसे एंकर को कानूनी सज़ा के साथ साथ अवामी सज़ा का भी मुतालबा करना चाहिए ऐसे गुस्ताख को, कि ये शहर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इसकी वबा ख़राब कर रहा है और इसको ये समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनके दरबार में जाने के बाद कोई आदमी खाली नहीं आता, उनको हर मज़हब के लोग मानते, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, सिया हो, हर मज़हब के लोग उनको मानते हैं। वो हस्ती का नाम है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। मैं मेरी तरफ से, हमारे शहर की तरफ से ऐसे बुजुर्गान दीन की गुस्ताख करने वालों को की मजम्मत करता हूँ और इनसे कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ कि इनकी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। हम लोग सब मिलकर इनके खिलाफ FIR दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मामले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और सरकार से ये मुतालबा है कि न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने ये जो बयान फिरका वाराना बयान दिया है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यह हमारी पुरजोर गुजारिश प्रशासन से और हुकूमत से और हुकूमत के अहदेदार से। मैं अंसारी मोहम्मद रिजवान बैटरी वाला मालेगांव आवामी पार्टी के रियासती सदरों की हैसियत से उमेश दोगन ने जो बयान दिया है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, हम इनकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों से ज्यादा हमारे वतनी हिंदू भाइयों को अजीज है, जो हर एक हिंदू उन पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार होता है। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है और इन्होंने ये फर्स्ट टाइम नहीं, कई टाइम किसी के भी बारे में कुछ भी उटांग पटांग बयान दे देना हिंदुस्तान की जमहूरियत, बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। इन्होंने किसी मुसलमान के धर्म गुरु को बुरा भला नहीं कहा है, बल्कि हिंदों की रूह को इन्होंने ठेस पहुंचाया है।
उस हिंदू के लोगों को ठेस पहुंचाया है जो मुसलमानों से ज्यादा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को और दीगर अल्लाह वालों को हमारे हिंदू भाई रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और हर शहर से, हर शहर के एक पुलिस स्टेशन में, बल्कि मैं कहूंगा हर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरीके का मुल्क के अंदर फितना फैलाने की कोशिश ना करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक कुरैशी, वार्ड नंबर 6 का माहौल कारपोरेटा, 2012-17 तक मैं खुद ही कारपोरेटर था, कारपोरेटर है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जाग मेरे शहर चैनल का। ये जो मामला चल रहा है, जो भाई ने बताया 9 चैनल 18 का जो मामला, देवगन ने जो कहा गलत जुमले, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ऐसे शख्स की भरपूर तौर से मजम्मत करना चाहिए। इस शख्स को कभी भी उसी उस चैनल का कोई भी चैनल ने जगह नहीं देना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाए, वो चैनल घरों तक ना दिखाया जाए, उसको बंदिश लगाई जाए, उसको बैन किया जाए। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को कतई चैनल 18 को कभी देखे ना, उसकी मुखालफत की जाए, और चैनल और देवगन जो शख्स है उसको तो कोई चैनल वाला कभी ले ही ना। मैं उसकी भरपूर जोर में मजम्मत करता हूँ कि इसको कभी कोई ले ना, उसने जानबूझ के बड़ी गलती किया है। और मैंने कल उसकी वीडियो देखा, उसने जो माफ़ीनामा बोलने के लिए किया कि माफ़ी, उसने माफ़ी भी नहीं मांगा है, उसने सिर्फ मराठी में कहा है मुझे इस बात का खेद है, अफसोस सिर्फ से जाहिर किया, माफ़ी नहीं मांगा है उसने। तो मैं उसकी और मजम्मत करता हूँ कि वो अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझता है, बहुत गलत आदमी है, वो जानबूझ के वो हरकत किया है, उसकी भरपूर मजम्मत, उसको कभी कोई चैनल उसको जगह ना दे। इंटर अमित देवगन की राजा ग्रीनवास ताल्लुक, जो उन्होंने अल्पाज जो पुस्तकाना अल्पाज दिए, मैं उसको पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और महाराष्ट्र हुकूमत से और हुकूमत हिंदुस्तान से मैं मुतालबा करता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो हुआ है गरीब नवाज़ इस खान में जो गुस्ताखी की गई है, अमित देवगन ने जो किया है, इसके लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो गरीब नवाज़ इस खान में गुस्ताखी कर रहा है। हिंदुस्तान में सभी वहाँ जाते हैं तैयारीन, तो उनके लिए ये जो कर रहे हैं फिरका परस्ती फैला रहे हैं, उसके लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए। हमारा ऐसा बोलना है, आते हैं मोदी की तरफ से हमारा ये पैगाम है कि उसको सज़ा मिले। जो शख्सियत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके ताल्लुक से न्यूज़ 18 के जो एंकर है अमीश देवगन, जो उन्होंने गुस्ताखाना अल्फाज उनसे के ताल्लुक से कहे हैं, तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली आबिद अली, माजी सभापति, माजी नगर सभा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के ताल्लुक से जिस शख्स ने किसान में जो गलत बोला है, मैं उसका ख़ास तौर से अपने तरफ से, अपने शहर की तरफ से, हर किसी की तरफ से, चाहे वो हर मसलक का हो या और हर समाज का हो, और ख्वाजा साहब हर समाज के मानने वाले, हर मसलक के मानने वाले, तो मैं ख़ास तौर उन सब की तरफ से, मेरी तरफ से उनकी मजम्मत करता हूँ, और ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि ये तहरीक को आगे तक बढ़ाए, और इंशाल्लाह उसके साथ हम साथ साथ आप लोगों के खड़े रहेंगे, और ज़रूरत पड़े उसके लिए हम रोड पे भी आएंगे, ताकि वो शख्स जो जिनकी शान में बोले हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के अंदर वो ऐसे अल्लाह वाले हैं कि अगर उनकी तारीख अगर ये देखे, तो उन्होंने उनकी तारीख नहीं पढ़े ना तारीख जाने,
कि उनकी तारीफ ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान में इन्हें अल्लाह ने जब यहाँ भेजा है उनको तो उन्होंने हर समाज के लिए किए, हर किसी के लिए किए, हर वो शख्स के लिए किए। लेकिन उन्होंने समाज जो है इस्लाम जो है उन्होंने तलवार की बंदूक की नोक पे नहीं, उन्होंने अपने खिदमत से अपने सिफा से अपनी दुआओं से लोगों ने ईमान लाए और लोगों की खिदमत करे। न किसी के साथ उन्होंने इनकी उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है जो सब लोग बोल रहे। और ऐसे तो पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान जानता और वहाँ हर समाज हर बिरादरी हर मसलक के लोग आपको वहाँ दिखेंगे। मैं फिर से एक बार उनकी मजम्मत करता हूँ, नहीं बोलता हूँ। तो ये न सिर्फ ये कि हमारे मजहबी जज्बात से खिलवाड़ किया बल्कि कहीं ना कहीं इस कमीने ने